जस्ट यूपीएससी इन गुजराती के सफ़र में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम हमारे वीडियो में स्टडी करने वाले हैं दारा शिकोह के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दारा शिकोह के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उनकी जन्म हुई थी 1615 में, 1615 के अंदर। उनकी माता का नाम था मुमताज़। वो किस परंपरा से प्रभावित थे, तो कादरी परंपरा। फिर उनके द्वारा उन्हें कौन सी पदवी दी गई थी, तो शाहजहाँ ने उन्हें पदवी दी थी शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी उनको। लेन पुन ने उन्हें कहा था लघु अकबर। उन्होंने लिखा था, सर्जन किया था वेदों का संकलन, वेदों ईश्वर सर्जित छे। मौलिक ग्रंथ रचा था मजल उल बहरित, दो समुद्र का संगम, मजल उल बहरीन। फिर फारसी में अनुवाद करवाया था भगवत गीता का, योगवशिष्ट का, और काशी के पंडितों ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था सिर ए अकबर के अंदर। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी, अपने ही भाई औरंगजेब ने उन्हें देहांत दंड दिया था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके मृतदेह को नग्न करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था और फिर उन्हें दफन किया गया था हुमायूं के मकबरे के पास। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है कि जो ताज है वो बनाने में 20 से 22 हज़ार कर्मचारी लगे थे, 22 वर्ष लगे थे। उस समय उसकी कीमत थी करीबन 3.2 करोड़ और आज की कीमत है करीबन 7 हज़ार करोड़। तो यहाँ पर दारा शिकोह की जो जानकारी है वो बहुत ही शॉर्ट है। बस उन्हें उनके बारे में अगर याद रखना हो तो ये है कि वेदों का संकलन किसके द्वारा हुआ है, दारा शिकोह के द्वारा। और लेन पुल ने, अथवा तो उन्हें जो लघु अकबर कहा गया है, वो उन्हें किस ने कहा था, तो लेन पुल ने कहा था। ये दो क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीपीएससी के एग्ज़ाम में गिन सकते हैं।